मिलाद हाल में ही इस्लामी बहनों का इज्तिमा हुआ करता था, जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हैं, और भगदर मची थी और कई इस्लामी बहनें हमारी इसमें शहीद हो गई, जख्मी हो गई। और उस वक्त दावत इस्लामी ने इज्तिमाई नमाज जनाजा नहीं पढ़ाए थे, तो इसके क्या असबाब थे? 10 रबीउल अव्वल शरीफ को इसी जगह पर जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, हो सकता है यहीं वो मंच होगा जिस पर मेरी बेटी भी थी और ये इस्लामी बहनों से ये भरा हुआ होगा। भगदड़ मची थी और 30 के लगभग शहादतें हुई, इसमें इस्लामी बहनें भी थी और बच्चे भी थे। ये भी एक बड़ा कर्बनाक वाकया था जिसने ज़ारे के हिला के रख दिया। इज्तिमाई जनाजा अगर हम करते ना तो ये उस सूरत में किया जाता है बाज़ औक़ात के थोड़ा हुकूमत को हिलाना होता है, हंगामे करने होते हैं और मार धाड़ जलाओ घेराओ ये हो रहा है हमारे यहाँ, सब समझ सकते हैं जो मैं कहता हूँ। तो हमने शुरू से जब दावत इस्लामी काम शुरू किया, हमको ये करना ही नहीं था, हमें ये देखना है कि मतलब है कि अल्लाह किस बात में राजी होगा, उसके हबीब किस बात में खुश होंगे। तो कारें जलाने से, बिल्डिंगें जलाने से और बसें जलाने से तो अल्लाह की रजा मिलने से रही, ठीक है। हम तो मतलब है कि मुसलमान मुसलमान के माल का, जान का, इज्जत का, आबरू का मुहाफिज होता है, न कि तोड़ फोड़, या इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। तो हमारा चूंकि ये जहन ही नहीं था, तो हम अगर इज्तिमाई जनाजा करते तो ज़ाहिर है कि पब्लिक जमा होती, ठीक ठाक होती, तो फिर वो थोड़ा नारे लगते, नारा लगता, कोई कंकर उठाता, कोई पत्थर उठाता, कोई पुलिस लाठी उठाती, फायरिंग हवाई होती, तो फिर किसी के सर पे गोली लगती। हम कहाँ जाते? मदीने। तो मदीने जाना तो गोलियां मार के नहीं जाना, इज्जत आबरू के साथ फूलों हार पहनकर रवाना होंगे, ठीक है। मैंने कभी जिंदगी में इस तरह के इज्तिमाई जनाजों में शिरकत भी नहीं की, अपना फील्ड नहीं है ये, मारी लड़ा ले, हमारा मुल्क टूट फूट जाता है इससे, करोड़ों अरबों रुपए नुकसान हो जाता है, फिर महंगाई भी हम ही भुगतते हैं, जाहिर इतना नुकसान हो जाता है, फिर बेचारे कितने लोग जानों से चले जाते हैं, कितने जेलों के अंदर, फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। सही है, मैं सही बोलता हूँ, आपको मालूम नहीं होगी शायद, तो फिर जमानतें भी कोई नहीं करवाता, अंदर जाके बेचारे जेलों में पड़े होते, तो नाना बाबा हमको ये काम नहीं करना है। अब भी ख्याल रखिएगा, दावत इस्लामी वालों को बस यही है, नसीहत भी है, वसीयत भी है, कि हम पुरअमन तरीके से बस वो नेकी की दावत देनी। जेल भरो तहरीक है नहीं हमारी, हमारी तहरीक है मस्जिद भरो, मस्जिद भरो तहरीक, तो इसी को चलाते रहना है इंशाअल्लाह। हर तरफ अमन रहेगा तो इंशाअल्लाह दीन का मजीद चर्चा होगा, गैर मुस्लिम हमारी तरफ मजीद अट्रैक होंगे और वो इस्लाम के दामन में आएंगे। तो इसलिए हमने वो इज्तिमाई तौर पर वो नमाज जनाजा की तरकीब नहीं की, ये हमने बोल दिया अपने अपने मोहल्ले में जहाँ जहाँ जिसकी शहादतें हुई हैं अपने अपने तौर पे आप लोग कर दो, फिर अपने मुबल्लिगीन जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ वो पहुँच गए, उन्होंने जनाजे पढ़ाए, कोई हड़ताल नहीं, कोई हंगामे नहीं, कोई एहतजाजी बयानात नहीं। आपको सुना हुआ 30 शहादतों में, वरना दावत इस्लामी इतनी बड़ी तहरीक है आपको पता, अगर कुछ करते तो इतना बड़ा हंगामा होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हमने कभी किया ना आइंदा करेंगे इंशाल्लाह, कभी भी नहीं, ये अपना फाइनल डिसीजन है। दावत इस्लामी कभी भी इस तरह की चीज़ों में शरीक नहीं होगी। वो इनफरादी तौर पर बाज़ लोग चले जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग जो मरकज़ है वो कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारी पॉलिसी यही है कि हमको दीन की खिदमत, नेकी की दावत, बस ये काम करना है।